सभी से मैं शपथ लेने चाहता हूँ, कसम लेने चाहता हूँ, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म से हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और जब आप चले सड़कों पर तो जो रोड रेज होता है, जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें आपको लड़ाई झगड़ा किसी वाहन चालक से नहीं करना है, नहीं करेंगे ना। और मैं आपसे एक और शपथ लेता हूँ, जब आपको थक जाते हैं, नींद आती है, तो अपना वाहन बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि इससे दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो आपसे बहुत बातें मैं कहना चाहता हूँ, मगर समय आपके पास भी कम है, हमारी टीम के पास भी कम होता है। यातायात नियमों का पालन करने से आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जो आपकी माँ बहन बीवी बेटी सुबह को आपको जो लंच बांध के तैयार करके देती हैं, थोड़ा नज़दीक आ बेटे, वो लंच बांध के इसलिए देती हैं कि कमाने वाला हमारा शाम को वापस सही सलामत मंजिल से वापस लौट कर आएगा। मगर आप जब यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे, प्लीज़ सारे इधर आ जाएं, मेरी बात सुने, आप इधर आएँ, कैमरे के पास हैं सब, प्लीज़ आएँ सब, तो यातायात नियमों का पालन करके चलेंगे सब आप? यस सर। हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो बबलू कुमार जी हैं इस इलाके के, वो भी कहते हैं कि शराब पीना ना पीना आपकी मर्ज़ी, मगर शराब पी के वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। इसके लिए आपको हमारे जो ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर खड़े हैं, जैडो साहब, वो आपका चालान काटा जाएगा। उनका उनका चालान काटने कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। क्यों सर, होता है? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है। वास्तव में हमारे अफसरान जितने भी हैं सब ये कहते हैं कि किसी का भी चालान नहीं कटना चाहिए। ट्रैफिक के प्रहरी से गुजारिश करता हूँ, आप सब यहाँ पर आएँ, नज़दीक में आएँ सब। आप देखें हमारे जो ट्रैफिक टीम है कितनी मुस्तैदी के साथ केवल जाड़े में, गर्मी में, बरसात में, हर मौसम में केवल इसलिए रहती है, आपसे किसी तरह का तंग करने के लिए नहीं रहती। आप मानिए बात को, इसको विश्वास कीजिए। मगर जब आप रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो इनको आपको चालान काटना पड़ेगा, इनकी मजबूरी हो जाती है, ठीक है। तो आप चालान से कब बचेंगे? जब आप यातायात नियमों को पालन करके चलेंगे। जरा मैं आपको चालान की लिस्ट के थोड़े बारे में बता दूं, प्लीज़ जरा यहाँ लाइए, जरा इसके बारे में सुन लें बेटा, पकड़ो जरा इसको सही ढंग से, थोड़ा पीछे से फिल्म आ रहा हूँ मैं कैमरे में। मोटरसाइकिल पर 3 सवारी अगर हैं, 1000 रुपये का चालान है आपका। सर यहाँ आए प्लीज़, आप इधर आएँ, थोड़ा पीछे से फिल्म। अगर बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो आपका 1000 रुपये का चालान है। कितने का? 1000। थोड़ा पीछे से फिल्म, पीछे से हो गए। बिना DL जो ड्राइविंग लाइसेंस होता, अगर आपके पास नहीं है, मौके पर नहीं मिलता है, तो कितना है इसका चालान आपका? 5000 रुपये है आपका चालान, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। समझ रहे हैं बात? थोड़ा पीछे फिल्म बेटा, सबको दिखा, थोड़ा पीछे होकर फिल्म। अरे कैमरामैन मेरे बेटे, थोड़ी मेरी बात भी सुन लो। अगर आपके पास नो पार्किंग में गाड़ी आपने पार्क की, तो इसके लिए भी मैंने देखा अक्सर जहाँ भीड़ होती है, कुछ भी होती है, पार्किंग नहीं होती, मगर वहाँ पर लोग जो अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, करते हैं ओके। करेंगे आप पार्क? नहीं करेंगे। सही जगह पे करोगे? सही जगह पे। इसका कितना है बताएं मुझको? 500 से 1500 रुपये तक भी हो जाता है इसका चालान। और जरा देखिए, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र अगर पाए जाते हैं आपका, जिनके पास बोले पॉल्यूशन की जो मात्रा चल रही है हमारे देश में, पॉल्यूशन बढ़ रहा है हमारे गाजियाबाद का, उसको कम करने के लिए आपको अपनी गाड़ियों को हमेशा इंजन को स्टॉप कर देना चाहिए लाल बत्ती पर, और बेवजह गाड़ी स्टार्ट नहीं रखनी चाहिए। इसका कितना है जरा बताएं? 10000 रुपये है प्रदूषण प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं है, आपकी गाड़ी पॉल्यूशन देती है तो। प्लीज़ हंसने, ये मेरी बात हंसने के लिए नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। और मैं बहुत दूर से, मुझे भेजा गया बाकायदा हमारे ट्रैफिक के जो हमारे SP साहब हैं, हमारे CO साहब, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, मैं उनका दिशा निर्देश का पालन करता हूँ। और अपने समय में से आपको समय निकाल कर ये मैं बात बताने चाहता हूँ आपको, अगर हूटर प्रेशर हॉर्न बजा दे बहुत से, वो भी आपको नहीं बजाना चाहिए। उसका 10000 रुपये है पॉल्यूशन, उसका प्रेशर हॉर्न का आप बजाते हैं तो, हूटर का कृपया आप उसका अब उपयोग नहीं करेंगे। शराब पी के वाहन चलाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कोई जमानती नहीं है, संज्ञेय अपराध है। गलत दिशा में वाहन चलाना 2000 रुपये का। मेरे यहाँ पर जो ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर अमीर अहमद साहब हैं, मैं चंद बातें इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी यहाँ के जनता के लिए, वाहन चालकों के लिए सब कुछ कहें। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, ये अखलाक सैफी जी आए हैं और ये हमारा यातायात वहाँ चल रहा है, इसमें जागरूकता अभियान का जो चलता है ये चला रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत सहयोग कर रहे हैं आप और जनता में जागरूकता लाने की बहुत ही आपने जो है मुहिम चला रखी है, तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस गाज़ियाबाद की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
और सभी वाहन चालकों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग इसका नियमों का पालन करें, उससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। एक तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी इसमें, क्योंकि जो दिन भर आप लोग कमाते हो वो पता लगा कि एक दिन भर में एक चालान हो गया आपका, उसी में आपका 1,000 या 2,000 या 5,000 रुपये चला गया, तो आप अपने परिवार की स्थिति को निमटने से बजाय आप उसका जुर्माने के चक्कर में लग जाओगे। तो आप लोगों से सभी से यही अनुरोध है कि आप अपने नियमों से चलें, उल्टे सीधे वाहन खड़े ना करें इधर उधर, और बाकी सब अपना सही रहेगा, ऊपर वाला सबको ठीक ठाक रखें, और आपका धन्यवाद। ये हमारे वाहन चालक कितने समझदार हैं, और ये आज यहाँ पर वादा करते हैं हमसे, हमारी ट्रैफिक टीम से, कि आप हमेशा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सब कोशिश करेंगे ज़्यादा नियम पालन करने की। तो मैं मोहम्मद अखलाक सैफी, गांधी जी छोलस वाला, रोड सेफ्टी सेल, ट्रैफिक सेंट्रल, दिल्ली गाज़ियाबाद बुलंदशहर हरियाणा, आप सबसे गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपके मंगल यात्रा के लिए शुभकामनाएं, और आपसे मैं विनती करता हूं, दरखास्त करता हूं, सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाएं, बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं, शराब पी के वाहन न चलाएं, रात को डिपर का प्रयोग करें, क्योंकि डिपर मारने से हमेशा सामने वाले वाहन चालक को स्पष्ट नज़र आ जाता है, आप डिपर अगर नहीं मारते तो दुर्घटना की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब आप कभी भी जल्दी के चक्कर में रॉन्ग साइड चलते हैं, रॉन्ग साइड से नहीं चलना चाहिए आपको, रॉन्ग साइड चलने से भी हमेशा दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, जिसको कहते हैं विपरीत दिशा से वाहन चलाना, आपको विपरीत दिशा से वाहन नहीं चलाना है। तो मैं यहाँ पर देखा हमारे यंगस्ट बिल्कुल प्रहरी जिनको बोलते हैं ट्रैफिक के, दो शब्द कहें बोले। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारे बीच में आए, और आपने बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है सभी वाहन चालकों को जानकारी देने के लिए, और मैं सभी वाहन चालकों से यही अनुरोध करता हूँ कि आप सभी सही दिशा में अपने वाहन चलाए, यातायात नियमों का पालन करें, धन्यवाद। तो मैं मोहम्मद अखलाक सैफी आपसे एक बात और, एक छोटी सी बात और कहना, सुन लो और जरा, आप जो सड़कें होती हैं वो आपसे बातें करती हैं, कभी देखा है बात करते हो सड़कों को, बताए किस किसने देखा है बात करते हो सड़क को, मुझे बताए कौन बात करती हैं, कैसे करती हैं बातें, नहीं बता पाएंगे सर, जरा पकड़ें इसको, मैं बताता हूँ इनको कैसे बातें करती हैं। जो हमारी सड़कें होती है, बेटा जरा इधर देख गौर से, वो सड़कें आपसे बातें करती है, कैसे बातें करती है, जब आप अपना वाहन लेके चलते हैं तो उन पर निशान बने हुए होते हैं, आपको बाएं कैसे मुड़ना है निशान होता है, जो संकेत होते हैं वो तो जी इधर जाओ इधर मत, अगर आपको बाएं मुड़ना है तो उसके लिए संकेत होता है, जहाँ पर गाड़ी नहीं ले जानी है वहाँ पर भी कट्टम निशान होता है, जहाँ पुलिया होती है उसका भी निशान होता है, जहाँ हॉर्न नहीं बजाना होता है उसका भी निशान होता है। तो आप सड़कों से बातें करें, सड़कों की बातें माने, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत आपकी मंगल यात्रा के लिए, जय भारत, ठीक है बेटे, ओके ओके, जय हिंद जय भारत, गाज़ियाबाद ट्रैफिक पुलिस सदैव आपके साथ।